हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिजाइनर कुर्ती की स्टिचिंग करना बताएंगे। अगर आपको इसकी कटिंग की वीडियो देखनी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। अब कुर्ती की स्टिचिंग करना बताएंगे। पहले कुर्ती का फ्रंट नेक रेडी करेंगे। आप देख सकते हैं, मैंने कुर्ती का फ्रंट पार्ट ले लिया है और इसकी नेक की कटिंग ऑलरेडी कर ली है। इसकी लेंथ 8 इंच रखी है और विड्थ 3 इंच रखी है। मैंने बुकरम को इसके नीचे रख लिया है और एज इट इज़ बुकरम पे मार्किंग कर ली है और शोल्डर से 2.5 इंच पे निशान लगा लिया है। ऊपर से नीचे की तरफ कम करते हुए निशान लगा लेंगे। हमने एक पैनल बड़ा रखना है, उस पे तिरछा निशान लगाएंगे। अब इसकी कटिंग कर देंगे। आप देख सकते हैं, मैंने दो पैनल की कटिंग कर ली है एक साथ बुकरम की। अब कुर्ती के नेक को ओपन करेंगे और इसके ऊपर दिखाएंगे रख के। ये लुक आएगा नेक का, बहुत ही अच्छा डिजाइनर लुक है ये। अब फैब्रिक के ऊपर बुकरम अटैच करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। फिनिशिंग के साथ हमने सिलाई लगानी है। दूसरे पैनल को भी हमने इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। दूसरी साइड भी सिलाई इसी तरीके से लगाएंगे फिनिशिंग के साथ। फैब्रिक में कट लगाएंगे जिससे ये इजीली फोल्ड हो जाएगा। आप देख सकते हैं, मैंने ये रेडी कर लिया है पैनल और सेपरेट कलर की मैंने ओरेब की पट्टी ले ली है और पैनल को हमने राइट साइड रखना है और पट्टी के इसके ऊपर रख देंगे और दो पॉइंट्स पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमने बराबर रखनी है। लास्ट तक फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा देंगे। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। अब इस पट्टी को रॉन्ग साइड फोल्ड करेंगे और राइट साइड सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल बराबर पाइपिंग रखनी है। कहीं से भी मोटी पतली नहीं होनी चाहिए पाइपिंग। आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लुक आया है इसका। अब रॉन्ग साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। पैनल के दूसरे साइड भी ओरेब की पट्टी अटैच करेंगे। और इसको भी दो पॉइंट्स पे सिलाई लगाएंगे। लास्ट तक बराबर सिलाई लगाएंगे। आप देख सकते हैं, मैंने दोनों पैनल को रेडी कर लिया है। अब कुर्ती का नेक रेडी करेंगे। इसकी लेंथ 8 इंच थी, हमने कम करनी है। मैंने सेपरेट कलर का ये फैब्रिक लिया है, इसको फोल्ड कर लिया है एज इट इज। इसकी लेंथ है 3.5 इंच और विड्थ है 3.5 इंच। अब कुर्ती के नेक के बराबर मार्किंग करेंगे और फोल्डेड साइड 1 इंच पे निशान लगाएंगे और तिरछी मार्किंग कर लेंगे। वी शेप का नेक की शेप आएगी इसमें।
नीचे की तरफ आधा इंच का मार्जिन देंगे और मार्किंग करेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। और इसको कुर्ती के नेक पे अटैच कर देंगे। ये लुक आएगा अटैच होने के बाद कुर्ती में। अब इसमें पैनल अटैच करेंगे। पहले हम छोटे वाला पैनल अटैच करेंगे। जैसे कुर्ती का नेक है वैसे ही हमने पैनल को रखना है और उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। इसके दोनों तरफ हमने सिलाई लगानी है। अब दूसरा पैनल अटैच करेंगे और सिलाई लगा देंगे। इसके भी दोनों साइड हमने सिलाई लगानी है। छोटे पैनल के ऊपर हमने बड़ा पैनल रखना है सेंटर में और सिलाई लगा देंगे। आप देख सकते हैं हमने दोनों पैनल को अटैच कर लिया है। इसका बहुत अच्छा लुक आया है। अब मैंने ये डोरी बनाई है और इसमें लटकन भी अटैच करे हैं। सेम साइज की डोरी है ये। अब इसमें अटैच कर देंगे। आप देख सकते हैं हमने इसको अटैच कर दिया है जो डोरी को। और मैंने ये फैब्रिक ले लिया है। फाइव इंच इसकी लेंथ है और 1 इंच इसकी विड्थ है। अब दोनों कॉर्नर को मिलाएंगे और फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। आप देख सकते हैं हमने इस पे सिलाई लगा दी है। अब इसको ओपन करेंगे और सेंटर से फोल्ड करेंगे। और सुई की हेल्प से इसमें सिलाई लगाएंगे। इसके चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। और इसका फ्लावर बना देंगे। हमने सिलाई लगा ली है। अब धागे को खींचेंगे और इसको लॉक कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा फ्लावर बना है ये। और मैंने ये बटन लिया है इसके ऊपर लगाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने 4 फ्लावर बना के रेडी कर लिए हैं और इसके ऊपर बटन भी लगा दिए हैं। 2 फ्लावर मैं ऊपर लगाऊंगी और एक सेंटर में और एक जहाँ पे डोरी लगा रखी है। और इसको सुई की हेल्प से अटैच कर देंगे।
आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने सुई की हेल्प से फ्लावर को अटैच कर दिया है। इसका बहुत अच्छा लुक आया है। कुर्ती की फ्रंट पार्ट को राइट साइड से रख लिया है और इसके ऊपर बैक वाला पार्ट रखेंगे। दोनों को एक दूसरे की राइट साइड रखना है और शोल्डर अटैच करेंगे। आधा इंच का मार्जिन देके इस पे सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से दूसरे वाला शोल्डर भी अटैच कर लेंगे। देखिए शोल्डर अटैच कर लिए हैं। मैंने स्लीव्स रेडी कर रखी है। अब कुर्ती पर स्लीव्स अटैच करेंगे। कुर्ती को राइट साइड से रखेंगे और स्लीव्स को भी राइट साइड से रखेंगे और सेंटर से सेंटर पॉइंट अटैच करेंगे और आधा इंच का मार्जिन देके सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से दूसरे वाले स्लीव्स पे अटैच करेंगे। देखिए हमने दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है कुर्ती के ऊपर और फिटिंग की मार्किंग कर ली है। स्लीव्स पे भी फिटिंग की मार्किंग कर ली है दोनों साइड। अब इसकी सिलाई लगाएंगे। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को बराबर रखना है और जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज इस पे सिलाई लगाएंगे। और दूसरी साइड भी इसी तरीके से इस पे सिलाई लगा देंगे। फिटिंग की सिलाई कंप्लीट हो गई है और बॉटम साइड से आधा इंच फोल्ड कर दिया है और साइड कॉर्नर से इसको ओपन रखा है। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।